आबकारी विभाग ने मंगलवार को कच्ची दारू के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आबकारी विभाग की टीम ने जगहा थाना के कठहरिया जंगल रसूलपुर नंबर 2 में छापेमारी की, जहाँ 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ और 4000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया और दारू भट्टियों को तोड़ा गया तथा 2 लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी पहचान कोयली पत्नी सुग्रीम निवासी कठहरिया जंगल रसूलपुर नंबर 2 तथा द्रौपदी पत्नी लालचंद निवासी कठहरिया जंगल रसूलपुर नंबर 2 थाना जगहा के रूप में हुई है। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि अवैध शराब बनाने के लिए दोनों के ऊपर आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। छापेमारी में आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार मिश्रा, आबकारी कांस्टेबल शिवेंद्र तिवारी, मुरलीधर धर्मेंद्र चौधरी, सौरभ कुमार जगदीश, श्रीकांत आशीष मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी ने कहा, मालूम नहीं था कि यहाँ काम होता है। एक्चुअली मैं 12 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक विशेष प्रवर्तन अभियान चल रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आज चौरी चौरा में थाना खोराबार के जगदीशपुर गांव में और थाना जगहा के कठहरिया गांव में दबिश दी गई। संयुक्त टीम बना करके जिसमें सेक्टर 1, सेक्टर 2 और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 थे, कुल सीजर की बात की जाए तो 55 लीटर शराब बरामद हुआ, लगभग 5000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया, 6 भट्टियाँ तोड़ी गईं और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान विशेष प्रवर्तन अभियान तो 18 तक है, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के अनुक्रम में ये यथावत चलता रहेगा।